अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। व्यूवर्स, ये ना रीकैप है वही चांपों का जो मैं लास्ट वीडियो में फ्राई कर रही थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया था। इधर मैं दोबारा से इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जिन लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी वो देख लेंगे। देखें, मैंने चांपों को डिफ्रॉस्ट कर लिया था। ये बीफ चांपें हैं। डिफ्रॉस्ट करने के बाद इन्हें बिल्कुल ड्राई करके मैंने ये देखें डीप फ्राई कर लिया। मीडियम आँच में मैंने इन्हें डीप फ्राई किया है। और व्यूवर्स, बिल्कुल लाइट आंच में ना ऑयल को गर्म करना है, ठीक है? तो ये वही नाश्ता जो यूजुअली मेरी रूटीन है वही है। तो ये चांपों को फ्राई करने के बाद ना हम लोग थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी। बेसिकली ग्रॉसरी नहीं करनी थी, मोहम्मद कासिम का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए ना क्रिकेट की थोड़ी चीज़ें लेनी थी, मतलब बैट बॉल लेना था। पहले तो मोहम्मद कासिम कहता था कि मैंने ना सारी किट लेनी है, क्रिकेट किट, लेकिन अब वो समझ गया कि अभी वो छोटा है तो उसे क्रिकेट किट की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है मैं बस ना बैट और 5-6 बॉल्स दे लूँगा, बस मुझे ना बर्थडे गिफ्ट ये दे दें मम्मा पापा आप लोग। खैर, उसके बाद हम लोग इम्तियाज़ चले गए थे। मुझे ऐसा लगा कि इम्तियाज़ से ना अच्छा बैट और बॉल मिल जाएगा, मतलब गुजामला में सबसे अच्छा ना वहीं से मिलेगा। तो मैंने यासिर को कहा चले हम लोग ना इम्तियाज़ चलते हैं। गुजामला में ना किंग मॉल के बेसमेंट में है इम्तियाज़, तो हम लोग फिर वहाँ चले गए थे। खैर, वो जब मैं आप लोगों से उसकी वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला, मैं बाकी आपको वहाँ बताऊँगी कि हमने वहाँ से बैट लिया कि नहीं लिया। तो यहाँ ना ये चांपे फ्राई करने के बाद वीडियो वही आ रही थी, मतलब मुझे आप लोगों के साथ वही शेयर करनी थी। इसके बाद मतलब क्योंकि हम लोग इम्तियाज़ चले गए थे और उसके बाद हम लोगों ने खाना भी बाहर वहीं शंघाई फूड से खाया था, जहाँ पहले भी हम लोग अक्सर जा के खा लेते हैं जब चाइनीज़ का मूड होता है। वो बहुत अफोर्डेबल फूड है और अच्छा फूड है। तो खैर, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि चांप का मैंने अपने व्यूवर्स को बता दिया हुआ था कि इंशाल्लाह मैं कल चांप की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। इस वजह से मैं ना आप लोगों से आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये कल का दूध पड़ा हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अगर आज यूज़ नहीं हुआ तो ख़राब हो जाएगा। मैंने ना जिस कढ़ाई में घी बनाती हूँ ना, इसी में इस दूध को गर्म कर लिया था और इसे ना ये देखें दही की जाग लगा ली थी मैंने। मैंने कहा अगर अच्छा बन गया, मतलब दही मीठा बन गया तो इसे मतलब खा लेंगे हम लोग, नहीं तो इसका ना घी बना लूँगी। ये ना शाम का टाइम था, क्योंकि नाश्ता करते करते हमें दोपहर हो जाती है, छुट्टियाँ देर से उठते हैं, तो ये शाम मगरिब से पहले का टाइम है। तो यहाँ साथ में मैंने मिल्क शेक बना लिया था, क्योंकि नाश्ता करते हैं और फिर हम लोग डिनर ही करते हैं ना, तो यहाँ मिल्क शेक बनाया था। मिल्क शेक हम लोगों ने पी लिया और मैंने जो चांपे फ्राई करके फ्रीज़र में रखी हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी, इन्हें मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया था। और आप लोग कह रहे होंगे ये क्या सिर्फ दो चांपे बना रही हूँ? व्यूवर्स, ये बहुत बड़ी बड़ी चांपे हैं और हमारी फैमिली के लिए ना ये इनफ थी। ये देखें जी, मैंने चांपों को कुकर में रख लिया है और अब ये दही को मैं फेंट रही हूँ। और उसके बाद दही में मैंने ना ये सारे मसाले डालने थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसे स्टीम दे ली चांपों को, इस वजह से मैंने ना कुकर में सब कुछ डाल लिया। मसालों की डिटेल, मतलब इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, नमक, सुर्ख मिर्च, पेपरिका पाउडर और कचरी पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, सूखा धनिया और ये चिली फ्लेक्स, और चलें आपको डिस्क्रिप्शन में ना डिटेल मिल जाएगी। और इसके अलावा इसमें मैंने विनीगर, चिली सॉस, सोया सॉस ऐड कर ली थी और दही, और 1.5 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया था, और इसमें मैंने लहसुन अदरक का पाउडर भी ऐड किया था। तो पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे स्टीम पे रख दिया था, मतलब कुकर को वेट लगा दिया था और 15 मिनट तक पकाया था। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी भी ऐड किया था। तो यहाँ देखें, नीचे से खिचड़ी आ गई थी, तो मैंने कहा चलें बच्चे अगर ये चांपे नहीं खाएंगे तो वो खिचड़ी खा लेंगे, लेकिन उन्होंने शौक़ से खिचड़ी भी नहीं खाई। और ये मैंने साथ में सैलड काट लिया था। अब आपको मेरी वीडियोस में ना सैलड मिलेगा, मैंने सोचा बेग में ही ना मैंने ज़्यादा सैलड ही खाना है। और साथ में मैंने रोटियाँ बना ली थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी मिलेंगी देखने के लिए और अच्छे अच्छे से व्लॉग्स भी, ठीक है? और फेसबुक पे जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें और टिकटॉक पर भी। इधर मैं सैलड को ड्राई कर रही हूँ, वो इसलिए कि ये भी वेट था, और अगर मैं इसी तरह से चांपों के साथ रख देती ना तो चांपे सौगी हो जाती हैं।
और चैंपो के साथ अगर मैं नहीं रखती तो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगनी थी, और चीज़ की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। व्यूवर्स, इसकी मैं ऑनेस्ट रिव्यूज़ आप लोगों को देती हूँ। ये चैंपे जो मैंने बनाई थी ना, बहुत मज़े की बनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया था। लेकिन आप लोगों ने पता क्या करना है, जब आप लोगों के पास दही अवेलेबल हो ना, तब आप लोगों ने चैंपो को फ्राई करना है। चैंपो को फ्राई करने के बाद इसे ठंडा होने देना है। ठंडा करने के बाद ना आपने दही में ये सारे मसाले ऐड करके और साथ में लेमन भी स्क्वीज़ कर लें, और अब ये सारे मिक्सचर में ना इन चैंपो को ओवरनाइट आपने मैरिनेट कर लेना है और इसे फ्रिज में रख देना है। और चैंपो की बोटी जिधर से मोटी है ना, मतलब यहाँ से ये देखिए मोटी मोटी सी है, इधर से इसे पिक भी कर लें आप लोग बोटी को। तो पिक करने के बाद ऐसा है कि मैरिनेशन ज़रा अच्छी हो जाएगी। तो बस ये एक दो टिप्स थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अब बच्चों ने तो खाना खाया नहीं था, आयरा, मोहम्मद कासिम और आयशा ने, इज़ू भी नहीं खा रही थी। इज़ू को ना यासिर ने ज़बरदस्ती खिलाया कि खाया करो सब कुछ। इज़ू हमारे साथ फिर भी कुछ खा लेती है, लेकिन ये आयरा नहीं खाती है। तो मोहम्मद कासिम का भी जब मूड हो खा लेता है। इनके लिए फिर मैंने ना फ्राइज़ साथ बना लिए कि चले मैंने फ़्राइज़ बना देती हूँ, साथ में मैं अपनी और यासिर की चाय बना रही थी। लेकिन ना आयरा लोगों ने ना खुदी से बर्गर भी ऑर्डर कर दिए हुए थे, तो ये पता नहीं कहाँ के बर्गर थे, यहाँ लिखा हुआ तो नहीं आ रहा, इसलिए मुझे नहीं पता। इन्होंने खुद ही से ऑर्डर किए थे, खुद ही खा लिए थे, क्योंकि मैं और यासिर अपने रूम में चाय पी रहे थे, इन लोगों ने ना फ्राइज़ के साथ बर्गर्स भी खा लिए थे। तो व्यूवर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।